दिल्ली पुलिस ने वसंत विहार थाने में जी न्यूज द्वारा दिल्ली गैंगरेप की शिकार छात्रा के दोस्त का इंटरव्यू प्रसारित करने के मामले में किया केस दर्ज। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत ने कहा, पीड़िता की पहचान का खुलासा करने के कारण मामला दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा, पीड़िता और उसके दोस्त को आधे घंटे के भीतर पहुंचाया गया अस्पताल। दोस्त द्वारा देर से अस्पताल पहुंचाने की बात को सिरे से नकारा। कांग्रेस पार्टी ने बलात्कार के मामले में दोषी पाए गए जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक दलों में जगह नहीं देने का किया समर्थन। पार्टी प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर आ रही है काफी जागरूकता। बलात्कार के मामले में मौत की सजा की वकालत करते हुए विपक्षी दल भाजपा ने कहा कि इससे लोगों में होगा भय कायम। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमें इस तरह के मामलों को रोकने के लिए पूरी संजीदगी के साथ उठाने होंगे कदम। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने देश में जेल सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश की जेलों में सुधार के लिए हर संभव उठा रही है कदम। गृह मंत्री मुंबई में उच्च सुरक्षा वाले आर्थर रोड जेल के दौरे पर पहुंचे। उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ों में हुई हत्याओं की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का किया फैसला। पूर्व न्यायाधीश संतोष हेगड़े, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त जेएम लिंगदो और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को किया गया इसमें शामिल। हेगड़े और लिंगदो की स्वीकृति मिलने के बाद खंडपीठ सोमवार को औपचारिक आदेश जारी करेगी। निर्वाचन आयोग की टीम ने नागालैंड में मार्च में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर जताया संतोष। अब त्रिपुरा में मतदान को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग का दल त्रिपुरा में मौजूद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कड़ी कार्रवाई करने का दिलाया भरोसा। पत्रकारों के हाथरस मामले से जुड़े प्रश्न के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ करेगी कड़ी कार्रवाई। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा ने राष्ट्रीय राजधानी में नेशनल पीपुल्स पार्टी द्वारा एक नए दल की औपचारिक घोषणा। राजधानी दिल्ली में संगमा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वो पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों को भी उठाएंगे। दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म उत्सव मना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना शहर में हुआ था। वह एक महान योद्धा, भक्त, कवि और आध्यात्मिक नेता थे। नाटो ने तुर्की में पड़ोसी सीरिया की धमकियों का मुकाबला करने के लिए पैट्रियट मिसाइल की तैनात। अमेरिकी सेना के यूरोपीय कमान ने कहा कि तुर्की के अनुरोध पर नाटो के पैट्रियट मिसाइल की तैनाती में सहायता के लिए तुर्की के दक्षिण पूर्व इंसरलिक हवाई पट्टी पर अमेरिकी सैन्यकर्मी और उपकरण पहुंचे। श्रीलंका का बल्लेबाजी क्रम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन एक बार फिर ताश के पत्तों की तरह ढहा। मेजबान टीम चौथे ही दिन टेस्ट जीतकर क्लीन स्वीप करने की ओर बढ़ी। दिन का खेल खत्म होने तक बनाए 7 विकेट पर 225 रन। सेनेगल के फुटबॉल खिलाड़ी डेम्बाबा अब इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी की तरफ से खेलते नजर आएंगे। वो एफए कप के थर्ड राउंड टाई में अपनी टीम की तरफ से पहली बार खेलेंगे। चेल्सी की टीम इन दिनों स्ट्राइकरों की कमी से जूझ रही है, जिसे देखते हुए डेम्बाबा की भूमिका हो गई है अहम।